नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश के साथ ही उत्तराखंड में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर केदारनाथ और गंगोत्री धाम में पूजा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों धामों में आयोजित पूजा अर्चना में वर्चुअल के जरिए भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना की है। वहीं आज बद्रीनाथ धाम भी अभिषेक पूजा यहां की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से ही यहां पर जलाभिषेक किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड में भी लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पर पूजा अर्चना की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए कामना की है। वर्चुअली इस पूजा में वो शामिल हुए थे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उनके साथ सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड में चुनाव के लिए प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। देहरादून की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे प्रहलाद जोशी और यहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और पुरजोर कोशिश है कि एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो। आज एक घटना सुखद संयोग है कि घटी। आज ही न्यायालय में इतने दिन से जो हमारी चार धाम यात्रा बंद थी, उसको खोलने का आदेश किया गया है और इस राज्य की आर्थिकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर मैं आप सबको भी अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। आपका सहयोग इस रूप में हमेशा हमारी बात पहुंचाने के लिए रहा और आदरणीय जोशी से निवेदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वो राज्य में हो, वो जिले में हो, नहीं तो राष्ट्रीय स्तर में हो, हमारा नेतृत्व मजबूत है। जो आएंगे उनका भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है, जो हमारा प्रतिबद्धता है, वो स्वीकार करके आएंगे और हमारा नेतृत्व तो स्वीकार करते हुए आएंगे, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। और इसमें वो अगर आते हैं तो भी हम हमारा जो कार्य करने का एक प्रक्रिया है और हमारा जो कार्य पद्धति है वो पद्धति हमेशा रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और बीजेपी के झूठ को बेनकाब करने के लिए युवा कांग्रेस लगातार मीटिंग और प्रशिक्षण का लगातार आयोजन किया कर रहा है। इसी कड़ी में आज उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की प्रदेश मीडिया प्रभारी हरनीत बराड ने प्रेस वार्ता की। नेशनल हाईवे 87 पर स्थित एक निजी होटल में राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी हरनीत बराड़ा ने वार्ता में कांग्रेस संगठन के बारे में अवगत कराते हुए कहा है कि युवा कांग्रेस लगातार मीटिंग और प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है, जिनके जरिए वर्तमान बीजेपी सरकार के झूठ का पर्दाफाश किया जा सके और सत्य वास्तविकता से देश को अवगत कराया जा सके। हमारी पार्टी लगातार काम करने में जुटी हुई है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और आपको पता है कि हमेशा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शन के टाइमिंग पे वो नोकझोंक होती रहती है और जो कैंडिडेट सबसे ज्यादा डिजर्विंग है कांग्रेस उन्हीं को टिकट देगी और युवा कांग्रेस उनकी मदद के साथ उनके साथ फील्ड में आज भी काम कर रही है। बूथ लेवल तक हमारे युवा कांग्रेस हैं वो जो एक्टिव है और वो हम जीतेंगे, उनकी जिताने में मदद करेंगे। चमोली में हाईकोर्ट की तरफ से चारधाम यात्रा पर लगी रोक कुछ कोरोना गाइडलाइंसों की शर्त पर हटाने की एसओपी जारी होने की खबर के बाद बद्रीनाथ धाम में खुशी की लहर है। वहीं धाम में यात्रा खोलने की मांग पर दो सप्ताह से ज्यादा समय से आमरण अनशन कर रहे मुनि महाराज बाबा का अनशन बद्रीनाथ मंदिर के सामने बद्रीश संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में प्रशासन की ओर से एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी ने जूस पिलाकर तोड़ा। वहीं बामनी गांव की महिलाओं और बद्रीश
संघर्ष समिति ने मुनी महाराज जी का तुलसी माला के साथ अभिनंदन किया और खुशी में उनकी शोभा यात्रा भी निकाली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसडीएम ने जूस पिलाकर मुनी महाराज का अनशन तोड़ा है। बद्रीनाथ चारधाम यात्रा पर रोक लगी हुई थी, वो हट गई है। ऐसे में मुनी बाबा का जो अनशन है वो भी टूट गया है। चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को बद्रीनाथ में प्रथम चरण के तहत प्रस्तावित कार्यों में तेजी लाने और समयबद्धता के साथ निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। बद्रीनाथ धाम में पहले चरण के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, वन वे लूप रोड निर्माण, शेष नेत्र और बद्रीश झील का सौंदर्यकरण, अस्पताल का विस्तारीकरण कार्य प्रस्तावित है। चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि यहां पर निर्माण कार्य को पूरा करने के तमाम दिशा निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें तमाम योजनाएं हैं, कुछ पुल हैं जिनका काम चल रहा है, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनके तहत कुछ भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है। ऐसे में तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे, निरीक्षण किया है कहां पर किस तरीके से काम हो रहा है और काम कहां तक पहुंचा है, किस तेजी के साथ हो रहा है, ये तमाम जानकारी उन्होंने जुटाई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश के कारण चमोली में कुल 15 सड़कें मलबा आने के कारण बाधित हैं। लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर अपने अधीनस्थ सड़कों को तत्काल खोलने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जबकि विभाग के कुल 17 जेसीबी मशीनें उपलब्ध हैं, उनमें से 10 मशीनें कार्यरत हैं। लौटते मॉनसून की ये भारी बारिश ने जिले में लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते जिले में आए दिन सड़कों का टूटना और मलबा आने से यातायात बाधित होना एक बड़ी समस्या बन जाती है। ऐसे समय में लोक निर्माण विभाग रात दिन सड़कों को खोलने में जुटा हुआ है। लगातार हो रही बारिश के कारण आज दिनांक 16 में हमारी 15 सड़कें जो लोनीवी के अधिकारिता क्षेत्र में आती हैं, 15 सड़कें बंद हैं, जिसपे विभिन्न स्थानों पर 10 मशीनें काम कर रही हैं। कुल 17 मशीनें विभाग के पास अवेलेबल हैं, उनमें से 10 विभिन्न स्थानों पर काम कर रही हैं और अधिकतर सड़कों को सेम दिवस में खोल दिया जा रहा है और कुछ वॉश आउट पोर्शंस हैं उनको जल्दी से जल्दी खोलने की कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर जहां देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर्ष और उल्लास के साथ उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बद्रीनाथ धाम में उनके नाम की विशेष पूजा अर्चना की गई। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल ने बताया कि सुबह अभिषेक में नरेंद्र मोदी के नाम की पूजा सम्पन्न कराई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर अशोक विहार दिल्ली के रहने वाले दिनेश कोयल की तरफ से करीब 4,300 की रसीद काटकर पूजा संपन्न कराई गई है। तो चमोली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर हर्षोल्लास देखने के लिए मिल रहा है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, बामन एकादशी, बामन द्वादशी यानी एकादशी का व्रत आज ही है और भगवान बामन का जन्म भी आज ही है। विशेष रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कश्यप गोत्राप का आपकी ओर से आज प्रभात में भगवान की पूजा आई थी, महाभिषेक पूजा आज प्रभात में हमारे पास आई थी और आपके दीर्घायुष्य और यशस्वी जीवन के लिए भगवान बद्रीनाथ जी के श्री चरणों में महाभिषेक पूजा अर्पित की गई और भगवान को भोग लगाया गया। आज 17 सितंबर 2021 आपका जन्मदिन और भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों में आपकी ओर से प्रणाम किया गया और भगवान से आपके लिए आशीर्वाद मांगा गया, आपकी ओर से भगवान को पूजा समर्पित की गई। आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री भारत गणराज्य। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से एक बस कलियर में साबिर पाक की जियारत के लिए आई थी। शाम के समय हुई तेज बारिश के दौरान बस में से एक 60 वर्षीय जायरीन किसी काम से राही गेट गेस्ट हाउस के पास गया, जहां ध्यान न देने के चलते जायरीन नाले में जा गिरा। तेज बहाव से
बहरा नहाला एक पाइप से होते हुए बंद पड़ी गंग नहर में जाकर गिरता है। जायरीन उसी पाइप में फंस गया। वहीं अन्य जायरीनों ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन उसका पता नहीं लग पाया है। वहीं कुछ समय बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी कि पाइप के अंदर कोई व्यक्ति फंसा है। मौके पर पहुंची पुलिस और अन्य जायरीनों ने पाइप तोड़कर व्यक्ति को बाहर निकाला लेकिन तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। वहीं घटना के बाद साथी जायरीनों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नैनीताल में श्रीराम सेवक सभा और मंदिर समिति के तत्वाधान में चला एक सप्ताह का मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव आज मां की विदाई के साथ संपन्न हो गया। अगले साल मां नंदा सुनंदा का सबको इंतजार इस भरोसे से है कि महोत्सव भव्य रूप में हो। कोरोना नामक घातक बीमारी ने 2 साल से महोत्सव को सादगी से मनाने के लिए मजबूर कर दिया। वो घटना आने वाले साल में ना हो आज मां नंदा सुनंदा का डोला मंदिर में ही परिक्रमा करने के बाद पासी झील में दुखी मन से मां नंदा सुनंदा को विदाई दी गई। इस दौरान छोलिया पार्टी की तरफ से अपने अजब गजब करतब दिखाकर जनता की वाहवाही लूट ली गई। श्री राम सेवक सभा और मंदिर समिति के सदस्यों ने आम जनमानस के साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका का आभार व्यक्त किया है। वहीं विदाई के दौरान कई लोग अपने आंसू रोक नहीं पाए। चमोली के सीमान क्षेत्र जोशीमठ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी की कार्यकर्त्री मीना भंडारी ने जोशीमठ के ज्योतेश्वर महादेव मंदिर में पीएम मोदी के नाम की विशेष पूजा अर्चना की है। वहीं रुद्राभिषेक हवन यज्ञ कर पीएम मोदी को विश्व पटल पर मजबूती देने की भी कामना की। उन्होंने कहा कि देश के चहुंमुखी विकास और उज्ज्वल भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसे आदर्श पीएम को मजबूती देने के लिए सबको मिलकर नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। देश भर में उनके जन्मदिन के मौके पर लोग पूजा अर्चनाएं कर रहे हैं, साथ ही साथ तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं। तो चमोली की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मीना भंडारी ने महादेव शिवालय में रुद्राभिषेक किया है और कहा कि सबको मिलकर नरेंद्र मोदी जी का साथ देना होगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का चहुंमुखी विकास कर रहे हैं और वैश्विक पटल पर वो और ज्यादा मजबूती के साथ आगे कार्यरत रहें, इसके लिए ये पूजा अर्चना की गई। हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद उत्तराखंड की चारधाम यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करने की तैयारियों में परिवहन व्यवसायी जुट गए हैं। फिलहाल सरकार के एसओपी के इंतजार में व्यवसायी बैठे हैं। व्यवसायियों ने एसओपी के तहत यात्रा चलाने का निर्णय बैठक कर ले लिया। यात्रा चलने की उम्मीद को लेकर बैठे परिवहन व्यवसायियों के चेहरे अब खिले हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बरसात का दौर अब भी खत्म हो गया है, ऐसे में यात्रा बेहतर चलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। चारधाम यात्रा संचालित करने वाली रोटेशन समिति के अनुसार यात्रा मार्ग पर जाने के लिए दूसरे राज्यों के यात्री एडवांस बुकिंग के लिए फोन भी कर रहे हैं। बता दें कि हाईकोर्ट ने 18 सितम्बर से चारधाम यात्रा का संचालन करने की अनुमति सरकार को दे दी है। तो चारधाम यात्रा पर रोक लगी हुई थी वो हट गई है। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि लोगों में खुशी की लहर है, व्यापारी भी खुश हैं। यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करने की भी तैयारियां जोरों पर की जा रही हैं लेकिन इसको लेकर भी तमाम जो यहां पर रूल्स हैं वो बनाए गए हैं उनका पालन करना होगा। जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के उनका पालन भी करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर उन लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। एक बार में 800 यात्री ही दर्शन कर सकते हैं चारधाम यात्रा में। यात्रा का जो हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी थी वो कल ही अभी वहाँ से रोक हटी है। अब आगे एसओपी जारी होगी, एसओपी जिस हिसाब से जारी होगी उस हिसाब से हम आगे की तैयारियां करनी शुरू कर देंगे। अभी तो फिलहाल एसओपी पे इंतजार है हमारा। बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है, गाड़ी का रखरखाव हुआ है, गाड़ी की ग्रीन कार्ड की तैयारियां हैं, स्टाफ की तैयारी है, कई तैयारी करनी होती है। एसओपी देखते हैं पहले, एसओपी किस प्रकार से आती है उसके बाद इसका जो है पालन कराया जाएगा। हमारी तैयारियां पूर्व की भांति मई माह में ही पूर्ण हो चुकी थी। वाहन हमारे सुसज्जित हैं, तैयार हैं, बीच में कोविड के कारण खड़े थे। अब माननीय न्यायालय का कल आदेश आया है, आज राज्य सरकार एसओपी जारी कर देगी, उसके अनुरूप हमारी वाहन संचालित होने के लिए तैयार है। मेन दिक्कत ये आएगी क्योंकि यात्री यहाँ पे तैयार है और आज मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरे को पता है 2 गाड़ियाँ गई भी हैं
और दिक्कत कहाँ पे आएगी ट्रांसपोर्टेशन में, वो दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि हमारे पास कुछ गाड़ियाँ तैयार हैं। ऊपर में होटल एकोमोडेशन की दिक्कत यात्रियों के लिए आएगी क्योंकि जो होटल वाले हैं उन्होंने अपने होटल बंद कर रखे हैं और उनको रेवेन्यूशन दोबारा से संचालित करने के लिए उन्हें 5 से 7 दिन का समय चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।